हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ। आप सबका स्वागत है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस हेल्थ चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से जुड़ी नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। एंटीबायोटिक्स वो दवाएं होती हैं जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हमें बीमार पड़ने पर डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। कभी ना कभी सभी लोगों को एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, जो कि बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया आदि जर्म्स को खत्म करने का काम करती हैं। इन बैक्टीरिया के हमले से लड़ती हैं और उन्हें पूरी तरह या तो खत्म कर देती हैं या तो उन्हें बढ़ने से रोकती हैं। हमारे शरीर में नेचुरली एक ऐसा सिस्टम होता है जो बैक्टीरिया के आक्रमण को रोकने में मदद करता है, इसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। और हमारे शरीर को इस सिस्टम के द्वारा बैक्टीरिया आदि जर्म्स के अटैक से बचाने की क्षमता ही इम्यूनिटी कहलाती है। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स इस जर्म से लड़कर हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन कई बार हमारे शरीर की इम्यूनिटी लो होती है और बैक्टीरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। कान के इन्फेक्शन, पेट की बीमारियां और स्किन से संबंधित बीमारियां बैक्टीरिया के कारण हो जाती हैं और एंटीबायोटिक लेने पर ही ठीक होती हैं। लेकिन अधिक मात्रा में इन दवाओं का इस्तेमाल या गलत दवाओं का इस्तेमाल करने पर ये बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं और इनका ज़्यादा इस्तेमाल हमारे शरीर के नेचुरल इम्यून सिस्टम पर बुरा असर डालता है और ढेरों साइड इफेक्ट जैसे डायरिया, चक्कर आना, पेट दर्द इत्यादि पैदा कर देता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल तरीके से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को बेहतर और स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। जितना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हम बच सकेंगे और बीमारियां हमें नहीं पकड़ पाएंगी। हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके न केवल हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बल्कि बैक्टीरिया के साथ साथ वायरल और फंगल इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। और ये हमारी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया जो कि पाचन में हेल्प करते हैं उन्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इनका इस्तेमाल नियमित रूप से करके हम इन जर्म्स के आक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं और बीमारियों के संक्रमण से बच सकते हैं। तो कौन सी हैं वो चीज़ें? पहला, लहसुन। लहसुन एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। इसमें एंटीफंगल और एंटीवायरल तत्व भी मौजूद होते हैं। लहसुन में पाया जाने वाला सल्फर कंपाउंड एलिसिन प्राकृतिक एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा लहसुन में बहुत तरह के विटामिंस और न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लहसुन आंतों में होने वाले पैरासाइट्स को खत्म करने का काम करता है। हर दिन खाली पेट लहसुन की 2 से 3 कलियां खाई जा सकती हैं। लहसुन को तरह तरह के डिश में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, शहद। नेचुरल रूप से हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में शहद बहुत असरकारक माना जाता है। इसीलिए आयुर्वेद चिकित्सा में अधिकतर औषधियों में अनुपान यानी औषधियों को किस तरह किसमें मिक्स करके लेना है उसके लिए शहद का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये उन औषधियों के पावर को और बढ़ा देता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाले और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। बहुत सारे रिसर्च के अनुसार शहद में इन्फेक्शन से कई स्तर पर लड़ने की ताकत होती है। इसके गुड़ के कारण बैक्टीरिया शहद के इस्तेमाल के बाद नहीं पनप पाते हैं। शहद हर बैक्टीरिया के सेल्स को खत्म करने का भी काम करता है। शहद का लाभ पूरी तरह मिल सके इसके लिए हमेशा प्योर शहद का ही इस्तेमाल करना चाहिए। शहद में बराबर मात्रा में दालचीनी मिलाकर दिन में एक बार जरूर खाना चाहिए। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। इसके अलावा चाय, फ्रूट, स्मूदी, जूस जैसी चीज़ों में भी हम शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन। अजवाइन के तेल में बैक्टीरिया से लड़ने की भरपूर शक्ति होती है। इसमें कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जिससे इन्फेक्शन में कमी आ जाती है और कई अन्य तरह के पारंपरिक एंटीबायोटिक्स की तरह ये बेहद प्रभावशाली होती है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पैरासिटिक और दर्द निवारक क्वालिटीज होती हैं। शरीर में कहीं पर दर्द होने पर भी ये नेचुरल पेन किलर की तरह काम करती है। पैर या नाखून में होने वाले इन्फेक्शन के लिए अजवाइन के तेल की कुछ बूंदें डाल करके बाथटब में गर्म पानी में अजवाइन के तेल की कुछ बूंदें डाल करके पैर डुबाना चाहिए और कुछ देर ऐसे ही रखना चाहिए। 1 हफ्ते तक आप इस प्रोसेस को रोज कर सकते हैं। साइनस और दूसरे
सांस से संबंधित परेशानियों के लिए अजवाइन के तेल की कुछ बूंदें गर्म पानी में डालकर इसकी भाप लेने से भी बहुत आराम मिलता है। जैतून, जैतून के एक्सट्रैक्ट में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने की क्षमता होती है। इसकी पत्तियों में काफी मात्रा में एंटीमाइक्रोबियल गुण होता है, जिसके कारण ये बैक्टीरिया और फंगस से बचाव करते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को दूर करती है। जैतून के सप्लीमेंट कैप्सूल भी बाजार में मिलते हैं, लेकिन उसके पहले डॉक्टर से एडवाइस जरूर ले लेनी चाहिए। हल्दी आयुर्वेद में गुणों की खान कही गई है। हल्दी में एंटीबायोटिक गुण भरपूर मात्रा में होते हैं, जिनके कारण ये जर्म्स को मिटाती है और शरीर को नेचुरल इम्यून सिस्टम को मजबूती देती है। साथ ही किसी तरह का घाव होने पर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उसे रोकने का काम करती है। हल्दी को भून करके शहद के साथ रोज लिया जा सकता है। हल्दी मेथी सोट का पाउडर भी अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हल्दी दूध का इस्तेमाल किया जाता है, हल्दी वाला पानी लिया जाता है, हल्दी वाला पानी से गार्गल किया जाता है। हल्दी का बहुत तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, चाहे जिस तरीके से हल्दी का इस्तेमाल करिए ये जरूर फायदा पहुँचाएगी। अदरक, अदरक में भी नेचुरल एंटीबायोटिक गुण भरपूर मात्रा में होते हैं और इन्हीं गुणों के कारण बैक्टीरिया के इससे होने वाली बहुत सी बीमारियों से बचाने का काम करती है। ताजे अदरक में एक प्रकार का एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है जो हमारे शरीर में पैदा होने वाले पैथोजेंस यानी इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट से हमें सुरक्षित रखता है। अदरक में सांस और मसूड़ों से होने वाले बैक्टीरियल हमले से बचाने के गुण भी भरपूर मात्रा में होते हैं। अदरक की चाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में कारगर होती है। अदरक की चाय बनाने के लिए 1 इंच ताजा अदरक को किस करके आधा कप पानी में करीब 10 मिनट तक बॉईल करिए, फिर इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर इसे इस्तेमाल करिए। ताजी अदरक को अदरक के डिश में भी अदरक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। नीम, नीम एंटीबायोटिक गुणों की खदान है। नीम त्वचा से संबंधित समस्याओं को पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ती है। नीम के इस्तेमाल से केवल बैक्टीरिया ही खत्म नहीं होते हैं, बल्कि फंगस और वायरस जैसे जर्म्स को भी ये खत्म करने का काम करती है। ये कैविटी, प्लॉग इत्यादि मसूड़ों से संबंधित बीमारियों से भी बचाव करती है। स्किन इन्फेक्शन को रोकती है, बालों में और सर में होने वाले इन्फेक्शन को रोकती है। नीम के पानी का इस्तेमाल, नीम के लेप को लगाना, नीम के पैक को बना करके लगाना, बहुत तरीकों से नीम का इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इन नेचुरल चीज़ों को अपना करके हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही योग, प्राणायाम, मेडिटेशन जैसी चीज़ों को अपना करके अपने शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो की जानकारी आपके लिए मददगार होगी। अगर वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लोगों के फ़ायदे के लिए उनके बीच शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियाँ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।